मैंने तो मुख्यमंत्री जी का, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी एक बात बताइए, आपने बुजुर्गों को पेंशन देती 1000 रुपए 1500 रुपए, माता बहनों को विकलांग की पेंशन भी देती आपने, विकलांग को, विधवा को पेंशन भी देती, नरेगा वालों का 200 रुपए पक्के करती है कर दिए। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, विकलांग को मिल गया, विधवा को मिल गया, बीमार का इलाज हो गया, बीमार की दवाई फ्री कर दी, इस नौजवान ने क्या पाप किया था? ये नौजवान चाहे हमारे उदय परवाटी शेखावटी राजस्थान का हो, इसने कौन सा पाप किया था? जब जो लड़का ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, वो नरेगा में काम नहीं कर सकता, उसकी उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, बहन भाई की जिम्मेदारी है, शादी हो गई तो पत्नी की जिम्मेदारी है, ससुराल की जिम्मेदारी है, नौजवान के ऊपर कितना ज्यादा वजन है। हम कहते हैं कि राजस्थान के इस नौजवान को ईमानदारी से बात करो, 10000 रुपए इसको भत्ता मिलना चाहिए, या तो रोजगार दो, 10000 का भत्ता दो। ये सरकार को इस लाइन पर आना पड़ेगा, सरकार को इस बेरोजगार को ऐसे लूटने के लिए, मरने के लिए आज कोई भी आदमी, कोई विकलांग आदमी आत्महत्या नहीं करता, कोई बुजुर्ग भी आत्महत्या नहीं करता, हमारी विधवा माता बहनों की भी नौबत नहीं है, लेकिन आज नौजवान आत्महत्या कर रहा है रोजगार के लिए। इसके लिए सरकारों को, चाहे सरकार केंद्र की हो, चाहे सरकार राज्य की, उसको नौजवान के लिए फैसला करना पड़ेगा।